नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आप सोच रहे होंगे कि ये ढोल नगाड़े दिल्ली एयरपोर्ट पर किसका स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि कश्मीर की गोल्डन गर्ल सादिया तारिक मॉस्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद वापस देश लौट आई हैं। उन्होंने कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। भारत आने पर उनका पूरे देश ने धमाकेदार तरीके से फुल जोश के साथ ग्रैंड वेलकम किया। मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप में श्रीनगर की रहने वाली सादिया ने जूनियर वर्ग के फाइनल में एक स्थानीय खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस बड़ी उपलब्धि पर सादिया तारिक गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपनी फेडरेशन को धन्यवाद कहा और इस ग्रैंड वेलकम पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने खुशी जताई। मेरा नाम सादिया तारिक है। मैंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है मॉस्को वुशु चैंपियनशिप में। सो ये मेरे लिए पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की एंड मेरा मैंने गोल्ड जीता। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये जब जीता मेडल, जब मैंने फाइट जीती, जब गोल्ड फाइट जीती मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं रोया भी, लाइक मैंने असली में मैंने जीता, इंडिया के लिए जीता। एंड देन जब मेडल सेरेमनी हुई तो इंडिया का फ्लैग पीछे से था एंड तब भी मुझे बहुत प्राउड लगा अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी फेडरेशन, वुशु फेडरेशन को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि उनने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना आगे तक बढ़ाया। एंड मैं इनको थैंक यू करना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को जिनने मेरे लिए ट्वीट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। इतना कुछ किया मेरे लिए, आई एम रियली थैंकफुल। और मैं अपने कोचेस को थैंक यू करना चाहती हूँ, हंजू सर को करना चाहती हूँ, रमी सर को, एजाज सर को, मकसूद सर को, इरफान सर को, सब कुछ इसको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। इनकी ही वजह से मैं इतना आज आगे बढ़ी हूँ, वरना अगर ये प्रैक्टिस नहीं कराते तो आज मैं यहाँ नहीं हूँ। तो मैं इनको भी थैंक यू। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी की स्टार वुशु एथलीट सादिया तारिक की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं लगातार सादिया को शुभकामनाएं मिल रही हैं। सादिया इससे पहले भी दो बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। अब सादिया के इस गोल्ड मेडल के जीतने के बाद उन्हें गोल्डन गर्ल कहकर पुकारा जा रहा है। वहीं सादिया को खेल की दुनिया में उनकी शानदार उपलब्धि के लिए भी सभी सराह रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।